नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शर्मीलापन। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर किसी बच्चे के अंदर अत्यधिक शर्मीलापन है या किसी वयस्क के अंदर भी बहुत ज्यादा शर्मीलापन है तो ये उसकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। दोस्तों, मैं खुद समाज में देखता हूँ कि जो व्यक्ति बेहद शर्मीले होते हैं, जो बच्चे शर्मीले होते हैं, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशेष तरक्की नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाए, आपके अंदर की झिझक खत्म हो जाए और आपके अंदर का शर्मीलापन खत्म हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवाई आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर आपके मन के लक्षणों को ठीक करने की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जबकि दूसरी पैथियों में ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपको डर लगता है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपका मन नहीं लगता है किसी काम में तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मुझे याद है कि एक लड़का आर्मी में भर्ती हो गया था, लेकिन उसका वहां मन ही नहीं लगा। घर आने की बहुत तीव्र इच्छा उसके अंदर थी। अब वो वहां से भाग आने के लिए तैयार हो गया था। ऐसे में उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने उसे होम्योपैथी की एक दवाई बताई, जिससे उसका वहां पर बहुत अच्छे से मन लग गया। इसी प्रकार पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, ज्यादा भीड़ में ज्यादा लोगों से मिलने से डर लगना, इन सब के बारे में मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शर्मीलापन। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर शर्मीलापन बहुत ज्यादा है, तो उसके स्कूल में, उसकी क्लास में उसको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो खड़ा होकर ये नहीं पूछेगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर बहुत शर्म है, बहुत झिझक है। दोस्तों, आदमी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां छोड़ देते हैं, बहुत बड़े बड़े मौके छोड़ देते हैं इसी शर्म के कारण, इसी झिझक के कारण। दोस्तों, अगर होम्योपैथी की पुस्तक मैटेरिया मेडिका की बात करें तो उसमें तीन ऐसी दवाइयां हैं जिसमें इस मन की शर्म को दूर करने के लिए, मन की झिझक को दूर करने के लिए, मन के डर को दूर करने के लिए इन दवाइयों के अंदर लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों, इन तीन दवाइयों के बारे में आपको दूंगा पूरी जानकारी और इनके लक्षणों पर करेंगे पूरी चर्चा। इस जानकारी के लिए मैंने पुस्तक ली है डॉक्टर विलियम बोरिक की मैटेरिया मेडिका। तो इसके अंदर उन तीन दवाइयों के मन के लक्षण हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली दवाई इसमें है बेराइटाकार्ब। बेराइटाकार्ब के जब हम मन के लक्षण पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है स्मरण शक्ति का घट जाना, मानसिक दुर्बलता, डामाडोल यानी चंचल चित्त वाला, अपने आप में आत्मविश्वास का अभाव होना। तो आत्मविश्वास का अभाव होना बेराइटाकार्ब के लक्षणों में लिखा हुआ है। जराजन्य मनोभ्रंश, भ्रांति और लज्जाशील, यानी जो बहुत शर्मीले आदमी होते हैं उनके लिए बेराइटाकार्ब औषधि अति उत्तम है। इसमें आगे लिखा है अपरिचितों से घृणा होना, यानी जो अपरिचित लोग हैं उनसे मिलने में इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। आगे लिखते हैं छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना। तो ये सभी लक्षण बेराइटाकार्ब औषधि के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी औषधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी औषधि के भी हम मन के लक्षण जानेंगे। शर्मीलेपन को दूर करने के लिए दूसरी होम्योपैथिक औषधि है कोका। कोका के जो मन के लक्षण है उसमें विषाद, शर्मिला, लोगों के बीच असहज होना, चिड़चिड़ा रहना, एकांत में छिपी हुई अवस्था में प्रसन्नचित रहता है। यानी ये व्यक्ति जब एकांत होता है तो प्रसन्नचित रहता है, लेकिन जैसे इसे समाज में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तो लोगों से मिलना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कोका औषधि के मन के लक्षण थे। अब शर्मीलेपन की जो तीसरी औषधि है होम्योपैथी में, इसका नाम है कालीफोस। इस औषधि के मन के लक्षणों के अंदर भी शर्मीलेपन के लक्षण पाए जाते हैं। इसके मन के लक्षणों के अंदर लिखा है स्नाविक भय, यानी स्नाविक भय उस व्यक्ति के अंदर रहता है। उसके साथ साथ दिखा है आलस्य, आलस्य इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आगे लिखते हैं कि व्यक्तियों से मिलने की इच्छा न होना। तो कालीफोस के अंदर भी ये लक्षण है कि इसके जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी व्यक्तियों से मिलने की इच्छा नहीं होती है। जबरदस्त थकान और अवसाद, यानी इस व्यक्ति को मानसिक थकान बहुत ज्यादा होती है, इसका मन हर समय अवसादग्रस्त रहता है। कालीफोस के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक विशेष लक्षण भी होता है कि जब भी नींद में सोए हुए होते हैं तो अचानक से डर के उठ जाते हैं। तो अगर ये लक्षण आपके बच्चे के अंदर है कि वो नींद में सोता सोता अचानक से रोने लगता है या डर कर उठ के खड़ा हो जाता है, तो कालीफोस औषधि देने से उसके लक्षण ठीक हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि व्यवसाय के संबंध में भारी निराशा होना, लज्जालु
बातचीत करने की इच्छा न होना। तो दोस्तों इस दवाई के अंदर भी लज्जालु यानी शर्मीला व्यक्तित्व बताया गया है। तो दोस्तों होम्योपैथी के अंदर ये तीन दवाइयां हैं जिनके अंदर शर्मीलेपन को दूर करने के लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई बच्चा हद से ज्यादा शर्मीला है या कोई बड़ा आदमी युवा बहुत ज्यादा शर्मीला है, हद से ज्यादा शर्मीला है, तो उसको आप ये तीनों औषधियां या उनमें से कोई एक औषधि जिससे आपके लक्षण सबसे ज्यादा मिलते हैं इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर 10 साल से छोटे बच्चे को ये दवाई दे रहे हैं तो 30 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। अगर बड़ा कोई व्यक्ति इन दवाइयों को ले रहा है तो उसको ये 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। बड़े व्यक्ति को ये दवाइयां 4-4 बूंदे दिन में 3 बार या तो तीनों दवाइयां एक साथ ले सकता है या एक एक करके भी देख सकता है। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन होम्योपैथिक दवाइयों से आपके बच्चे का शर्मीलापन दूर हो जाएगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, उसके अंदर से झिझक खत्म हो जाएगी और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करेगा। दोस्तों ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी दोस्तों का मैं बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।